तमिल में इनको छोली माता बोलते, छोली अमन। ये काशी विश्वनाथ तंगे 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 छे तंगे छे। ये छोली माता काशी यात्रा इनकी दर्शन परिपूर्ण, इनकर पूजा होता है छोली माता का। जय छोली माता महादेवी, जय काशी निवासिनी, सर्व दुखे सर्व कष्टे हरो देवी, हर देवी हर प्रिय चामुंडे मुंडवतने नारायणी नमस्तुते। काशी यात्रा, दक्षिण यात्रा, देव यात्रा परिपूर्णम, शोली फालम उनके, काशी फालम इनके। इनके तमिल के लिए ये बोला जाता, शोली फालम उनके, काशी फालम इनके, काशी यात्रा दर्शन परिपूर्ण। ये देवी को शिव जी का बहन समझते हैं। जो काशी यात्रा संपूर्ण होने के लिए कावड़ी माता का पास आ, शिव का दर्शन करने के बाद कावड़ी माता का पास आके इसका दर्शन करने से काशी यात्रा संपूर्ण होता है कि माना जाता है। साउथ के लोग में ही ये माँ प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं, और वहाँ के साउथ के मान्यता है कि जब तक बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के बाद अगर हम कावड़ी माता का दर्शन नहीं किए तो हमारा यात्रा सफल काशी का नहीं होगा। यही कारण है कि साउथ में तमिलनाडु हो, तमिल के हो, चाहे तेलुगु हो, चाहे महाराष्ट्री हो, जितने भी साउथ के लोग होते हैं वो वहाँ माँ बाबा विश्वनाथ को दर्शन करने के बाद माता का दर्शन जरूर करते हैं, क्योंकि ये बाबा विश्वनाथ जी की बहन है और वरदान अनुसार वो माता का दर्शन करना अनिवार्य है, इसलिए दर्शन करते हैं।